मैं यूट्यूब चैनल में लिखे थे। और फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स आज जो है ये वीडियो, आज मैं सिंगापुर में ऑलरेडी पहुंच चुका हूं और ये वीडियो है रिलेटेड जो है क्वारंटाइन के रिलेटेड है कि जो यहाँ क्वारंटाइन कर रहे हैं 7 डेज़ का, तो अभी हम क्वारंटाइन में हैं। तो आज मैं आपको उसी की ही डिस्कशन दूंगा कि हम उसी के बारे में बताऊँगा कि क्या कैसे यहाँ पे रख रहे हैं और क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं, और एयरपोर्ट इंडिया से जो सिंगापुर के फ्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इस वीडियो में जब हम यही सारा डिस्कशन करेंगे। इंडिया से फ्लाई करने के लिए आपको वहाँ एक तो VTL फ्लाइट है और एक नॉन VTL फ्लाइट है। तो VTL में अगर आप फ्लाई करते हो तो फिर आपको VTL सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, तो उससे जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। और जो नॉन VTL फ्लाइट है, नॉन VTL में आपको 2 डोज का सर्टिफिकेट प्लस जो आपकी PRC रिपोर्ट है, RT-PCR की रिपोर्ट है वो चाहिए 48 घंटे की। तो अगर तो आप VTL फ्लाइट से आ रहे हो, जैसे वो चेन्नई से चल रही है, तो तब तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे क्वारंटाइन होने की। बट अगर आप आ रहे हो, जैसे कि मैं नॉन VTL में आया हूँ, तो मैंने फ्लाई किया था दिल्ली से, तो फिर मुझे यहाँ पे 7 दिन का क्वारंटाइन है। तो आज अभी मेरा 2nd डे है। तो चलिए दोस्तों, आज उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। सबसे पहले दोस्तों देखिए कि इस तरह से जो है बेड भी आए हैं और इतने इतने डिस्टेंस पे ये हमारे बेड है, ये मेरा बेड है। और इस रूम में टोटल हम 10 लोग हैं। ये जो कुछ कंपनीज के वर्कर हैं, जो कुछ जिनके आसपास वगैरह हैं, सब लोगों को ये यहीं पे लेके आ रहे हैं। तो बाहर हम जो एग्जिट लिखा है, इसके बाहर तो हम जा नहीं सकते क्योंकि बाहर जाना अलाउ नहीं है। तो देखिए, तो सब लोग अपने अपने फ़ोन पे बिजी हैं अभी तो, और हम बाहर जा नहीं सकते। बाहर से मैंने दिखाने की कोशिश की आपको थोड़ी सी, तो डोर के बाहर हम जा नहीं सकते। वो मे बी कैमराज लगे हैं, उसी टाइम वो लोग आ जाते हैं। तो ये जो डॉमेट्री से जहाँ पे ये रख रहे हैं, जो इन्होंने क्वारंटाइन सेंटर बना रखे हैं, तो एयरपोर्ट से सीधे ही आपको इधर ही लेके आते हैं ये लोग। तो एयरपोर्ट से सीधे आपको इस तरफ ही ये लोग लेके आते हैं, और फिर यहाँ पे आपका टेस्ट होता है कोविड का, जो हमारी एक्सटेरियन की रिपोर्ट आती है। और यहाँ ये कि पे करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, पे नहीं करना पड़ता। बाकी जो कंपनीज वर्कर हैं, मुझे इनका पता नहीं, मे बी इनकी जो कंपनी है वो किस चीज़ का पे करती है सारा, या फिर गवर्नमेंट पे कर रही है। तो जिसमें आपको सिम कार्ड भी दिया जा रहा है, जब आप यहाँ पहुँचते हो आपको सिम कार्ड देते हैं, और जो आपकी फैसिलिटी के लिए वाईफाई भी है, और फैसिलिटी तो उन्होंने पूरी दे रखी है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये 7 दिन के लिए आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, 7 दिन के बाद ही आप यहाँ से बाहर जा सकते हो। आपको ये दिखाता हूँ कि खाना क्या मिलता है। खाना ये जो यहाँ पे सुबह आज तो हमें मिली थी इडली, और इस दिन को भी खाना जो आएगा मैं आपको दिखाऊँगा वो, और प्लस नाइट में भी राइस मिलते हैं। मोस्टली बहुत राइस ही है यार, चपाती वगैरह या ऐसा कुछ नहीं मिलता, आपको राइस ही मिलते हैं। और
उसके साथ फिर वेजिटेबल हो जाती, तो वेज और नॉन वेज जो भी आपने खाना हो उसके अकॉर्डिंग है। तो ये है जहाँ पे इस टाइम है हम, इस टाइम अभी हम देखिए घूमने बिजी भी है। अगर पॉसिबल होता तो मैं आपको कोशिश करता बाहर की भी दिखाने की, तो पर बाहर तो मैं जा नहीं सकता, तो अंदर जो अंदर का एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत भी होती है सिंगापुर से, इंडिया से सिंगापुर फ्लाई करने के लिए, आपको अगर तो आप बीटल फ्लाइट में आ रहे हो तब तो आप यहाँ क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए आपके पास बीटल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप नॉन बीटल फ्लाइट में आ रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे 7 डे का क्वारंटाइन है। और इंडिया से फ्लाई करने से पहले वो आपको एयरपोर्ट पर ही चेक किया जाता है कि आपकी RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए 48 आवर्स, और जो आपका 2 डोज का सर्टिफिकेट्स, बाकी जो आपके ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो होने चाहिए। बाकी जो कंडीशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो ये हैं कोविड की, ये आपको 2 डोज प्लस 48 आवर्स का जो RT-PCR टेस्ट है। फिर फ्रेंड्स ये हमारा खाना है, इसमें राइस और ये कोई सब्जी पता नहीं कौन सी है, और ये है करी। तो ये हमारा लंच है अभी इस टाइम, तो चलिए शुरू करते हैं लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर तीनों टाइम ये देखे जाते हैं, साथ में फ्रूट वगैरह भी कोई दिए जाते हैं जैसे अभी ऑरेंज देखे गए हैं। तो चलो पहले खाना खाते हैं फिर आगे की वीडियो आपको दिखाते हैं। तो इन्होंने हमें दिया था कोई मास्क का बॉक्स दिया इन्होंने, और ये दिए इन्होंने जो टॉयलेट पेपर प्लस टूथपेस्ट विद ब्रश, और ये एक शैम्पू दिया इन्होंने हमें एक बॉटल, और ये पेंटिन की 3 बोतल, ये कुछ शेविंग किट्स हैं इसमें, ये बिस्कुट वगैरह बिस्कुट भी दिए थे और भी थे अभी कुछ, उसमें से हम खा चुके हैं अभी, तो ये भी बिस्कुट है, बाकी तो मैं खा चुका हूँ ऑलरेडी। फिर टावल दिए हमें 2, और ये एक कॉफ़ी या चाय के लिए कप, ये हैंड सैनिटाइजर, और ये कुछ टिश्यूज हैं। तो ये सारा कुछ इन्होंने हमें दिया है जब हमें यहाँ पे ये अंदर लेके आए। सो फ्रेंड्स ये सामान जो हमें दिया जैसे मैंने आपको दिखाया, और खाने में जो है खाने में मैंने आपको बताया कि क्या क्या हमें मिल रहा है अभी। तो अगर बाहर से हो पाता तो मैं आपको ये वीडियो शूट करके भी दिखाता, बट बाहर से अभी वो पॉसिबल नहीं है, मैंने ये आपको दिखा दिया कि जो आस पास जैसे दिखाता हूँ आपको। और बाकी कोई और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो या कुछ और पूछना चाहता हो तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूँगा। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो ख़त्म करते हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना।